आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का किया ऐलान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में होंगे चुनाव। अलग अलग 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, ये 11 दिसंबर को तय हो जाएगा। सभी 5 राज्यों में 12 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच मतदान पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 11 दिसंबर को सभी राज्यों के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ आज से ही इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव अधिसूचना जारी होगी। 23 अक्टूबर को नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख है और 26 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण में 18 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए 26 अक्टूबर को चुनाव अधिसूचना जारी होगी। 2 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है, जबकि 5 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण में 72 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश मिजोरम चुनाव में मतदान और नतीजे एक साथ होंगे। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होगा। यहाँ 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनके नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 नवंबर है, जबकि 14 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यहां सभी सीटों पर एक साथ 28 नवंबर को मतदान होगा। मिजोरम में भी मध्य प्रदेश के साथ ही मतदान कराया जाएगा। राजस्थान में 12 नवंबर को चुनाव अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर होगी। नाम वापसी 22 नवंबर तक होंगे। इन दोनों राज्यों में 7 दिसंबर को मतदान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिसंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव में आधुनिक ईवीएम व वीपीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही मतदान की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, इस पर पूरी बात करेंगे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से फोन पर। सत्यम, आज तारीखें घोषित हो गई हैं और आचार संहिता लागू हो गई है। जी जी, मैं बताऊंगा, मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें तय हो गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जो 12 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले पहले देखा गया है कि 2 चरणों में चुनाव होते थे, इस बार देश के सभी 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो देश के सभी राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होंगे या वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो 28 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं मिजोरम में भी 28 नवंबर को वोटिंग होगी। राजस्थान और तेलंगाना में 7 दिसंबर को वोटिंग का प्रावधान रखा गया है। जी, छत्तीसगढ़ का क्या माहौल है? छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने का एक रीजन बताया जा रहा है कि जो नक्सलाइड एरिया है, पहले चरण में 18 जिलों में मतदान होंगे, फिर उसके बाद जो बाकी के जिले हैं उसके बाद मतदान होगी, क्योंकि वहाँ जो नक्सलाइड एरिया है वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाती है, लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे इसकी व्यवस्था की जाती है, इसलिए थोड़ा सा कठिनाइयों के चलते वहाँ 2 चरणों में चुनाव रखे जाते हैं। जी बिल्कुल सत्यम, शुक्रिया सत्यम। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर पहुंचे। वसुंधरा राजे ने बीते 4 अगस्त को राजसमंद से इस यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके समापन समारोह में आज पीएम मोदी अजमेर के कायड़ पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में वसुंधरा राजे को राजस्थान की लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री बताते हुए जनता के बीच जाने की तारीफ की। चुनाव में अधिक समय देने की प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की अपील पर पीएम मोदी ने कहा, मैं वही नरेंद्र मोदी हूं जो कभी हमारे सैनी जी के साथ स्कूटर पर बैठकर संगठन का काम किया करता था। देश और दुनिया में मैं भले ही प्रधानमंत्री हूं, लेकिन बीजेपी के लिए मैं कार्यकर्ता हूं। मुझे छोटे से बूथ पर भी बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के दिन अब फिरने लगे हैं। अस्पताल में 30 बिस्तर का नया सर्व सुविधा युक्त वार्ड बनाया गया है। नए वार्ड का लोकार्पण सांसद दिनेश कश्यप ने किया। बता दें कि अस्पताल में व्यवस्था सुधारने का जिम्मा वन विकास निगम को दिया गया था।
पूरी तरह से वातानुकूलित 30 बिस्तर वाले इस वार्ड में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। कश्यप ने अस्पताल की तारीफ करते हुए कहा कि महारानी अस्पताल बस्तर की पहचान है और इसे सर्व सुविधा युक्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास लगातार जारी रहेगा। जिला अस्पतालों में ऐसे वार्ड बनाने की कोशिश आगे भी करेंगे। सांसद ने कहा कि ऐसे ही सर्व सुविधा युक्त वार्ड का निर्माण सभी जिला अस्पतालों में किया जाएगा। एक इस ओर सरकार काम करेगी। बता दें कि यह अस्पताल अपनी अव्यवस्था और लापरवाही की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन सरकार की ओर से किए जा रहे काम को देखकर लगता है कि जल्द ही अस्पताल के दिन फिरने वाले हैं। अत्याधुनिक आप देख रहे हैं इसको, है ना, एसी है, वेलनेस मतलब जो है ना वो है, बेडशीट है, बेड है, साथ में टॉयलेट बाद भी, मतलब ये जो पूरा देख रहे हैं तो इतना अच्छा, मतलब इनको रिनोवेट करके आपके द्वारा किया गया है, हमारे मद्दी भाई साहब है नी। तो अब जैसे हम बाहर जाते हैं हॉस्पिटल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही अच्छा है, लेकिन जगदलपुर में भी अब ऐसी व्यवस्था ऐसी सुविधा होने लगी है, ये उदाहरण है। और आज जो है ना हम लोग उसका लोकार्पण किए हैं पिता कार्यक्रम के, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो गर्भवती महिला है उनको लाभ मिलेगा और जो है ना अच्छा होगा। अस्पताल की व्यवस्था को लेकर हमारे विशेष संवाददाता छत्तीसगढ़ से संजीव पचौरी से हम फोन पर बात करेंगे। संजीव जी, अस्पताल में 3 बिस्तर का वातानुकूलित कक्ष तैयार किया गया है, क्या है पूरी खबर? दरअसल ये महारानी अस्पताल जगदलपुर का है जी। जो काफी बड़ा अस्पताल हुआ करता था एक समय में, अब आज से करीब 4 महीने पहले इस पूरे अस्पताल को जगदलपुर से करीब 12 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया जी। मेडिकल कॉलेज की अलग व्यवस्था थी, वहाँ के लिए अलग स्टाफ की व्यवस्था करनी थी, अलग सामान की व्यवस्था करनी थी, लेकिन सरकार ने आपाधापी में पूरे के पूरे महानी अस्पताल को उठा के वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जगदलपुर का शहर का जो अस्पताल था वो पूरी तरह से खाली हो गया और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को। आंदोलन हुए, कई पार्टियों ने आंदोलन किए हैं, धरना प्रदर्शन हुए हैं दोबारा अस्पताल चालू करने के लिए। इसके बाद से फिर पुनः चुनाव को सामने देखते हुए भी और लोगों की सुविधा को देखते हुए भी इस अस्पताल का दोबारा इसको नए ढंग से बनाने की कवायद चालू हुई है, जिसमें विधायक ने भी काफी प्रयास किया है। अपने वन विकास निगम के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास राव मद्दी, उन्होंने भी काफी प्रयास किया है और अब ये अस्पताल धीरे धीरे एक नए रूप में, एक अच्छे रूप में सामने आ रहा है जी। शुक्रिया संजीव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।